वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफजदा है, हर कोई इस खौफनाक वायरस के खत्म होने की दुआ कर रहा है। इस बीच कई ज्योतिषी दावा कर चुके हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण के साथ कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जिन्हें लोगों ने अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन अब एक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच संबंध होने का दावा किया है। उन्होंने इसका वैज्ञानिक आधार भी बताया। कौन है ये वैज्ञानिक, क्या है उनका दावा और कोरोना वायरस का सूर्य ग्रहण से क्या है कनेक्शन, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गौरतलब है कि देश दुनिया में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चेन्नई के वैज्ञानिक डॉक्टर के एल सुंदर कृष्णा ने सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच कनेक्शन का दावा किया है। डॉक्टर कृष्णा न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है कि 26 दिसंबर 2019 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सीधा संबंध कोरोना वायरस से है और 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दिन कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान डॉक्टर के एल सुंदर कृष्णा ने कहा कि सूर्य ग्रहण के बाद उत्सर्जित विखंडन ऊर्जा के कारण पहले न्यूट्रॉन कण के संपर्क के बाद कोरोना वायरस टूट गया। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 से हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के अनुसार 26 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण होने के बाद सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ। डॉक्टर कृष्णा के मुताबिक ग्रहों के बीच ऊर्जा में बदलाव के कारण कोरोना वायरस ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न हुआ। सूर्य ग्रहण के दौरान बदलाव हुआ जिससे धरती पर उचित वातावरण बना। ये न्यूट्रॉन सूर्य की सबसे ज्यादा विखंडन ऊर्जा से निकल रहे हैं। न्यूक्लियर फॉर्मेशन की ये प्रक्रिया बाहरी मटेरियल के कारण शुरू हुई होगी, जो ऊपरी वायुमंडल में बायो मॉलिक्यूल और बायो न्यूक्लियर के संपर्क में आने से हो सकता है। बायो मॉलिक्यूल संरचना का म्यूटेशन इस वायरस का एक संभावित स्रोत हो सकता है। डॉक्टर केएल सुंदर कृष्णा ने बताया कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन प्रोसेस सबसे पहले चीन में शुरू हुआ होगा, लेकिन इस दावे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा ये वायरस कोई एक्सपेरिमेंट या जानबूझकर किया गया प्रयास भी हो सकता है, लेकिन आगामी सूर्य ग्रहण कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देंगी। डॉक्टर कृष्णा ने कहा कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सौर मंडल में होने वाला नेचुरल प्रोसेस है। सूर्य की किरणें और सूर्य ग्रहण इस वायरस का प्राकृतिक इलाज है। आपको बता दें कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से कई ज्योतिषीय घटनाओं में बदलाव आएगा। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। इसका सूतक 12 घंटे पहले यानी 20 जून को रात 10:20 पर शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण के साथ खत्म होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया और कांगो में दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में हमने साइंटिस्ट डॉक्टर केएल सुंदर कृष्णा के उस दावे से रूबरू कराया जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस और सूर्य ग्रहण का कनेक्शन बताया है, साथ ही वैज्ञानिक आधार की जानकारी भी दी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 21 जून को सूर्य ग्रहण के असर से कोरोना का खात्मा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।